स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले हमने मिक्स रिएक्शन देखा था कि नेशन टॉक का वो वीडियो था जिसमें वो पाकिस्तान और इंडिया की वेजिटेबल प्राइसेस कंपेयर कर रहे थे। नेशन टॉक वाले होस्ट हमारे मार्केट में भी गए थे और लोगों से वहीं पे प्राइस पूछ रहे थे। और पाकिस्तान अक्सर ये कहता रहता है कि भारत में बहुत ही गरीबी है और लोग भूखे पेट सोते हैं, तो इसलिए जो हमारा एक गवर्नमेंट की स्कीम है फ्री राशन वाली, तो उसी को चेक करने के लिए ये होस्ट निकले है। तो देखते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। राशन आपको मिलने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठेकेदार को प्रॉब्लम तो नहीं करते? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आते हो, आराम से मिल जाता है? कितनी बार मिलता है महीने में? महीने में दो बार मिल जाता है। महीने में अगर 160 रुपये में आपको आटा मिले और 300 रुपये अगर आपको चावल मिले, तो आप कैसे खाएंगे? जो गरीब आदमी होगा वो कैसे खाएंगे? देखिए, मुश्किल हो जाएगा, नहीं खा पाएगा। कारण ये अच्छी बात है गरीबों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, क्या अच्छा है? गवर्नमेंट जो देती है वो पैसा देके देती है। और क्या क्या मिलता है? फ्री बढ़ता है और गेहूं और चावल मिलता है। कोई दिक्कत होती है? नहीं नहीं भैया, कोई पैसा वैसा तो नहीं पड़ता? नहीं, राशन पैसा तो नहीं पड़ता है, आराम से मिल जाता है जी। यहाँ राशन लेने आते कोई प्रॉब्लम होती है? कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है अनु धीमान, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के अंदर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं आटे के लिए, जबकि वहाँ पर 650 रुपए की 10 किलो की बोरी मिलती है। आज हम भारत के राशन की दुकानों के ऊपर जाएंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री बांटी जाती हैं, और हम देखते हैं वहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगती है। क्योंकि पाकिस्तान के लोग अक्सर कहते रहते हैं कि भारत के अंदर खाने के लिए नहीं लोगों को मिलता है, बहुत गरीब लोग हैं। तो हम उनको ये वीडियो दिखाना चाहते हैं, भैया देख लो भारत के अंदर क्या हालात हैं, और हम ये अनकट वीडियो करेंगे, मतलब चालू करेंगे तो फिर जो है लोगों से पूछते ही जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं भैया, पूरे करा दीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकें। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में, उनसे पूछते हैं उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, राशन लेने में होती है या नहीं होती है। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो राशन की दुकानें आवंटित की गई हैं वहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कोई लाइन नहीं है। और जबकि ये राशन की सबसे बड़ी दुकान है बाराबंकी की, अगर माना जाए, कस्बा है, शहर है, वहाँ की सबसे बड़ी दुकान है। दोनों तरफ आप देख सकते हो कोई लाइन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं, हो सकता है अंदर भीड़ हो। और यहाँ पर फ्री राशन जो है लोगों को प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। आइए, क्या नाम है भाई? तीन लोग दिख रहे हैं, चार। मोहम्मद रशीद सर, राशन आपको मिलने में कोई दिक्कत होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठेकेदार को प्रॉब्लम तो नहीं करते? नो, कोई प्रॉब्लम। आप आते हो, आराम से मिल जाता है? कितनी बार मिलता है महीने में? महीने में दो बार मिल जाता है। दो बार जी। अच्छा, जो राशन मिलता है वो किस तरीके से मिलता है, कितने किलो मिलता है? वो यूनिट के ऊपर है जी। पाँच लोग हैं तो 15 हो गया, 10 हो गया। मतलब 5 किलो मिलता है, उसमें गेहूं चावल दोनों हो सकता है ना जी, जी। तो उससे खाने में कोई दिक्कत होती है? चल जाता है काम की, बाहर से खरीदना पड़ता है? नहीं, चल जाता है, काम चल जाता है। धन्यवाद। अच्छा, एक और चीज सर बताइए, गवर्नमेंट ने अभी एक साल के लिए इसको और बढ़ा दिया है, एक साल तक और फ्री में बांटा जाएगा, इस तरह क्या चलेगा इलेक्शन? अच्छी बात है, लोगों को सहूलतें मिलती है जी जी, बिल्कुल आराम मिल रही है। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम, कोविड के समय शुरू हुआ था। आप ही मतलब इसको दुकान के मान लीजिए मालिक, क्या मतलब बांटते हो गवर्नमेंट के? हम बांटते हैं। तो क्या प्रोसेस होता है, जैसे क्या मतलब लोग आते हैं और लेके चले जाते हैं? नहीं, गवर्नमेंट की मशीन होती है बायोमेट्रिक, इसमें हम बायोमेट्रिक मशीन लगी है कराइए। ये एंड्रॉइड की तरह ऑपरेटेड मशीन होती है एकदम, इसमें हम लोग बायोमेट्रिक लगवाते हैं अंगूठा, जैसे अभी हमने इनका बायोमेट्रिक लगवाया। वो जब एकदम प्रोसेस हो जाता है पूरा लास्ट तक, जब तक राशन खारिज हो जाता है, उसके बाद कार्ड पे एंट्री करके अपने स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करके हम राशन दे देते हैं इन लोग। मतलब अगर अंगूठा नहीं लगाएंगे जो भी लेने आए, राशन नहीं मिल सकता? नहीं, आपको भी नहीं मिलेगा? नहीं, हमको भी नहीं मिलेगा, वो राशन गवर्नमेंट वापस ले लेती है नेक्स्ट मंथ। तो इससे मतलब जो जमाखोरी या कुछ इस तरह की चीजें होती थी, लोग बेच देते थे, वो सब बंद है भैया? बिल्कुल नहीं हो सकता, और नेक्स्ट मंथ तक गवर्नमेंट इसको कांटे से भी लिंक कर देती है। हाँ। तो अगले मंथ तक कर देगी, मतलब तो उसमें वहाँ पर आपको हाँ तुरंत, नहीं तो फिर मशीन में ही ओके नहीं होगा, वो पहले वेरीफाई होगी, उसके बाद ओके होगा। अब ये सिस्टम पहले उसका वजन करके ही, जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं लगती है, अच्छी बात है, क्योंकि फ्री बढ़ता है तो फ्री के चक्कर में बहुत ज्यादा कोई नहीं कि 500 मीटर 600 मीटर भीड़ लग गई, ऐसा कुछ कभी होता है? बहुत ऐसा सच नहीं आती है, एक बार में 10-20 आदमी मैक्सिमम आ जाता है, 30 आदमी आ जाता है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करके आराम से हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, कोई भाड़ भगदड़ कुछ ऐसा? बाहर बगदर सर पब्लिक डीलिंग का काम है, आदमी कभी अगर आगे पीछे हो जाता है कि किसी का कार्ड जल्दी कर दो या देर में कर दो, कोई होता है किसी की प्रॉब्लम होती है
ये तो सभी जगह होता है, फ्री में हो या नहीं हो। आपने हमारा इनका कैसे कर दिया, उनका कैसे कर दिया। धन्यवाद। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं एक और दूसरी दुकान के ऊपर, गवर्नमेंट की तरफ से दुकानें बनाई गई हैं राशन आवंटन के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो दुकानें हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की यहाँ पर भीड़ नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा मारी नहीं है। लोग आराम से आते हैं और अपना जो है फिंगर लगाते हैं, वहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाते हैं, उसके बाद में उनको राशन दे दिया जाता है। दादा क्या नाम है जी? मेरा वाजिद है जी। अच्छा, कितने किलो राशन? 15 किलो। कितने किलो मिलता है पर यूनिट? 5 किलो। कितने बार मिलता है महीने? 2 बार। एक मेंबर के लिए 5 किलो। कोई दिक्कत तो नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत कुछ नहीं। अच्छा, ये जो राशन मिलता है इससे घर का जो राशन का काम हो जाता है कि और खरीदना पड़ता है? नहीं, खरीदना पड़ता है। मतलब इसमें कितना कम पड़ता है लगभग? अरे इसमें बहुत कम मिलता होगा। तो कितने लोग हैं घर में? हाँ, 5 लोग। अभी गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए इस स्कीम को और बढ़ा दिया फ्री में, इस पर क्या कहेंगे? 25 किलो। अच्छी बात है, 50 किलो में गरीबों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या अच्छा है? क्या नाम है सर? आमिर खान। अच्छा, तो कितने किलो राशन मिलता है आपको? क्या नाम किलो मिलता है? कितने में यूनिट है घर में? 3 यूनिट। तो चल जाता है कि बाहर से खरीदना? नहीं, हम लेते नहीं, हम किसी को दे देते हैं जरूरत होती है। मतलब आप लेते हैं लेकिन किसी गरीब को दे देते हैं जी। चलिए, आप बहुत बढ़िया काम। अच्छा, जो गवर्नमेंट जिसको जरूरत है वो उसको दे देते हैं। 1 साल के लिए इस स्कीम को और बढ़ा दिया कि लोगों को फ्री राशन दे। ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है जी, बिल्कुल। खर्चा चलने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, हमारा खर्चा कोई नहीं। क्या नाम है सर? रजा है सर। आप ये मतलब राशन दुकान के जो गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट की गई है जी? जी। तो सर क्या प्रोसेस होता है बांटने का? बांटने का वो यहाँ पे भी बायोमेट्रिक मशीन लगी है। 3 किलो चावल। अच्छा, आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ यहाँ पर तौला जाता है, मतलब बांट वगैरह से, उसके बाद में इनको दे दिया जाता है, फिर अपने घर लेके चले जाते हैं, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आती? भीड़ तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, यहाँ भीड़ होती नहीं है। नहीं भीड़ होती? अच्छा, तेजिस करते हो। तो फिंगरप्रिंट जब तक लगेगा नहीं तब तक राशन नहीं मिलेगा? तब तक गल्ला नहीं मिलेगा, जब तक नहीं लग पाता तब तक जो है। कितने यूनिट देते हैं मतलब एक व्यक्ति को? एक करप्शन कम हो जाता है। 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल, मतलब 5 किलो मिलता है। अगर 10 लोग हैं तो उनको 50 किलो। हाँ, 50 किलो। 5 लोग हैं तो 25, अगर 2 लोग हैं 100 किलो। कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ कुछ होता है ऐसा कुछ? सुबह से हम लोग जो है सुबह 8:30 बजे खोल देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कभी ऐसा होता है कि राशन कम मिलता है आपके यहाँ कुछ? हाँ, ये होता है कि असल में जो ठेकेदार दे जाते हैं तो वो पानी नहीं डाल के देते हैं, जो है घट जाता है। उसके लिए आप शिकायत नहीं करते हो? कोई ना कोई ऐसे चोर तो होता ही है। चलिए देखिए, हो सकता सही हो जाए। आप इधर भी एक दुकान है, आइए देखिए। बेमान लोग तो होते ही है भाई। क्या नाम है आप? क्या नाम है भाई आपका? अमन। अमन भाई ये बताओ, अमन फ्री में राशन बांटते हो तो यहाँ भीड़ वीड़ तो नहीं लगती बहुत ज्यादा? भीड़ ज्यादा नहीं लगती, अगर मशीन सही चलती है तो भीड़ नहीं लगती, अगर सर्वर अगर डाउन हो गया तो फिर भीड़ लग जाती है। और बिना फिंगरप्रिंट लगाए किसी को देते हो? बिना फिंगरप्रिंट लगाए देने का आदत नहीं, लेकिन एक लास्ट में मंथ बायोमेट्रिक वेरीफाई करने के लिए OTP का एक ऑप्शन है जो लास्ट में खुलता है, उसमें दिया जाता है। अच्छा, ये बताओ 1 साल के लिए इस स्कीम को और बढ़ा दिया गया, इससे गरीबों को फायदा होगा? जी बिल्कुल, बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो है इससे जो गरीबों पे बर्डन पड़ रहा था वो कम हो जाएगा इसके राशन की वजह से, क्योंकि इनकम कम हो। और एक बात बताइए कि जो रोटी कपड़ा मकान था कहीं ना कहीं से सारे लोग को पूरा हो रहा है इस समय? हाँ, पूरा हो रहा है। किसी घर में आसानी को खाए बगैर सोएगा ऐसा तो कुछ नहीं। क्या नाम है सर? दिनेश कुमार। क्या मतलब आप यहाँ पर अनाज लेने आए हो? जी सर। तो कैसे यहाँ पर अनाज मिलता है आपको? हम लाइन से लगते हैं, लाइन वाइज से मिलता है हमको। सनी मतलब कैसे, मतलब पैसा दे के मिलता है? गवर्नमेंट जो देती है वो पैसा दे के देती है, और क्या क्या मिलता है? फ्री बढ़ता है और फ्री मिलता है। गेहूं और चावल मिलता है। गेहूं चावल मिलता है, और कुछ भी मिलता है? और कभी जब आता है कुछ चना है तेल है तो वो भी मिलता है। इसको भी मिल जाता है। हम लोग 5 लोग हैं। तो कितने किलो मिलता है, मतलब 25 किलो एक बार में? 25 किलो गेहूँ, 25 किलो चावल, दोनों मिला के आधा 50 किलो। तो चावल जैसे मिलता है तो 8 किलो गेहूं, कभी गेहूं कम हो, जब गेहूं ज़्यादा होता है तो गेहूं मतलब ज़्यादा मिलता है। महीने में कितनी बार मिलता है? इस स्टॉक के हिसाब से मिलता है। इससे पहले कितनी बार मिलता था? इससे पहले एक बार मिलता था। आप अद्भुत यार, मतलब पाकिस्तान में लोग लॉटरी लगी हुई है यार आटे की भी, उधर लिथियम की तो लगी है। सही बात, आटा भी फ्री में यार, मतलब हैरानी की। पाकिस्तान में लोग बात करते हैं भाई साहब, जो आम पब्लिक है इंडिया में हमसे ज्यादा गरीबी है, इंडिया में खाने के लाले हैं, इंडिया में ये होता है वो होता है, भाई साहब इंडिया में तो
इतनी थोड़ी थोड़ी जगह पे आप दिखाने लगी हैं गवर्नमेंट की कि भाई फ्री राशन लेके जाओ, फ्री राशन हो तब भी रश नहीं है। हाँ ये यहाँ फ्री राशन हो तो देखिए कैसे, इधर फ्री लंगर या रोटी या कोई भी चीज खोल दी जाए ना, इधर तो पैसों से अगर देखा नहीं, पैसों से लोग ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं कि भाई हमें आटा दे दो, खुदा का वास्ता हमें आटा दे दो। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, और ये पाकिस्तान को और जो लोग पाकिस्तान में, ये लोग कहते हैं कि भारत में बहुत गरीबी है और लोग भूखे पेट सोते हैं, तो उन लोगों को इस वीडियो देखने के बाद इनका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सभी को जिनको ज़रूर है उनको अनाज फ्री में दे रही है, वीट और राइस दे रही है। एक अगर एक आदमी है तो उनको 5 किलो मिलता है और महीने में 2 बार मिलता है, अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो आपको 25 किलो मिलेगा और महीने में 50 किलो मिलेगा, तो ये अच्छी बात है। कई फैमिलीज़ को ये कम भी पड़ सकता है और कई लोगों को इनफ हो सकता है और बच भी जाता होगा, लेकिन अगर जिनको कम भी पड़ता है तो हमारे यहाँ ये वीट और राइस की प्राइसेस पाकिस्तान की कंपेयर में तो बहुत ही कम है, तो अगर उनको बाहर से लेना भी पड़ता है तो उतनी ज़्यादा उनको प्राइस नहीं देनी पड़ती होगी। तो अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ये स्कीम 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, शायद ये कोविड के समय से चलती आ रही है और अभी भी चल रही है और 1 साल उसको एक्सटेंशन भी मिल गया है। और करप्शन और वो जो इसको बांटते हैं वो लोग इसमें से अनाज ले ना ले, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी सिस्टम निकाली है इसकी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बिना किसी को मिल नहीं सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि करप्शन को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।